डहरिया का संवेदनहीन बयान, हाथरस कांड पर बोले शिव कुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ की घटना छोटी, उत्तर प्रदेश की बड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री शिव डहरिया का ये बयान सामने आया है। तो खबर रायपुर से, संवेदनहीन जो बयान है मंत्री शिव डहरिया का सामने आया है। छत्तीसगढ़ की घटना छोटी बताई, उत्तर प्रदेश की जो घटना है उसको बड़ा बताया है। तो खबर रायपुर से, मंत्री शिव कुमार डहरिया का बेतुका बयान सामने आया है। जी को जानकारी नहीं है, जो बड़ी घटना हुई है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नहीं हुई है। यहाँ की घटना उस तरह की घटना नहीं है। बलरामपुर हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है। और इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में, रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए, हाथरस में जो घटना हुई क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, पूरा देश आंदोलित है, भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जबान क्यों नहीं खुल रही है? कुछ तो उनको इस विषय में भी बोलना चाहिए। वैभव पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, मंत्री जी का बेतुका बयान, रेप रेप होता है, छोटा बड़ा क्या? बिल्कुल, और यही सवाल जब उनके बयान के बाद वापस पत्रकारों ने पूछा तो मंत्री जी थोड़े से जो है सो पूछाए और उन्होंने इस बात को संभालने की कोशिश की और फिर वापस सफाई देने की भी कोशिश की कि उनका मतलब ये नहीं था। वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह की घटना हाथरस में हुई है वैसी घटना छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। उनका मतलब ये नहीं था कि छत्तीसगढ़ की घटना छोटी है या यूपी की घटना बड़ी है। लेकिन उनके बयानों से स्पष्ट तौर पर ये सुना जा सकता है और समझा जा सकता है कि मंत्री कहना क्या चाह रहे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में भी दुष्कर्म की कई घटनाएं हुई है और अमूमन ऐसी घटनाएं हर 15 दिन में, महीना दिन में भी यहाँ पे भी होती रहती है। लेकिन यहाँ पे उनकी अपनी सरकार है और यूपी में बीजेपी की, योगी की सरकार है, तो वहां की सरकार को आड़े हाथों लेना ये तो जायज है, लेकिन यहाँ की घटना को छोटी कह देना ये सरासर ये बताने के लिए काफी है कि मंत्री जी की संवेदनशीलता क्या है। कहीं वो राजनीतिक जो है बयानबाजी में उलझ के यहाँ की घटना से जो है पल्ला झाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से देखा जा सकता है। क्योंकि वो सवाल ये उठा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से यहाँ की घटना पे ट्वीट किया जा रहा है, हाथरस की घटना पे क्यों चुप है? ये कांग्रेस और बीजेपी की आपसी लड़ाई हो सकती है, लेकिन गैंगरेप की घटना को छोटी या बड़ी कह देना ये तो कहीं से भी जायज नहीं ठहरा जा सकता। और मंत्री को इसमें सफाई नहीं बल्कि माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि अब तक उन्होंने मांगी नहीं है। शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर